तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हिंदी YouTube चैनल वन मिनट स्पोर्ट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि IPL 2023 का बिगुल बज चुका है और 2023 का ऑक्शन आज शुरू होने वाला था और आज ऑक्शन शुरू हुआ। और ऑक्शन में अगर हम बात करेंगे आज के ऑक्शन में कि आखिरकार 2023 के लिए जो टीमें प्लेयर्स को खरीदी हैं वो कैसी खरीदी हुई हैं और कौन से प्लेयर्स अच्छे बाइज में आते हैं, कौन से प्लेयर ज़्यादा रेटेड में आते हैं, तो हम इस वीडियो में ये कवर करेंगे कि IPL ऑक्शन 2022 में जो सबसे पहले टॉप 6 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर के बारे में जानेंगे, फिर हम आपको बताएंगे टॉप 5 स्मार्टेस्ट बाई कि कौन सी टीम सबसे अच्छी बाई की है, कम दाम में एक अच्छा पैकेज उनको मिला है। तो दोस्तों, अगर बात करें टॉप 6 एक्सपेंसिव बाइज में तो उसमें सैम करन, जी हाँ, सैम करन पूरे IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं और वो 18.50 करोड़ में बिके हुए हैं। और वो किसके पास गए? पंजाब किंग्स के पास। जी हाँ, एक बार पहले भी पंजाब किंग्स के लिए उन्होंने हैट्रिक लिया था और इस बार फिर वो पंजाब किंग्स ने उन्हें 18.50 करोड़ में खरीद लिया है। वहीं दूसरे नंबर पर रहे कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन 17.50 करोड़ में मुंबई इंडियंस के खेमे में गए और मुंबई इंडियंस को किरण पोलार्ड का एक अच्छा रिप्लेसमेंट मिल गया है। वहीं बात करें बेन स्टोक्स की तो चेन्नई सुपर किंग्स कहीं ना कहीं एक बड़ी बोली लगाई और बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। यानी जो टॉप 3 जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर्स हैं वो तीनों ऑलराउंडर हैं। उसके बाद नंबर आता है, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, निकोलस पूरन का। जी हाँ, निकोलस पूरन का फॉर्म पिछले एक दो साल में अच्छा नहीं रहा है और बहुत ही ख़राब फॉर्म था, इसी वजह से उन्हें IPL से भी हैदराबाद ने भी निकाल दिया और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब था। लेकिन फिर भी निकोलस पूरन 16 करोड़ में बिके हैं और लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने उन्हें खरीदा है। वहीं बात करें फिर मयंक अग्रवाल, जो कि शायद थोड़ा और महंगे बिक सकते थे, लेकिन फिर भी 8.25 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में गए हैं। और सबसे सरप्राइजिंगली अगर बात करें तो हैरी ब्रूक जो है 13.25 करोड़ में हैदराबाद के खेमे में गए हैं। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग्स के ऑक्शन में जैसे ही स्टार्ट हुआ, हैदराबाद पूरी तरीके से हैरी ब्रूक के पीछे पड़ गई थी। हैदराबाद और राजस्थान के बीच में बिडिंग का वार चला, लेकिन लास्ट में जाके हैदराबाद जीत गई और 13.25 करोड़ में हैदराबाद के खेमे में हैरी ब्रूक जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं टॉप 5 सबसे स्मार्टेस्ट बाई की कि कौन से ऐसे प्लेयर्स को टीमों ने खरीदा, कम दाम में खरीदा, लेकिन उन्हें एक बड़ा पैकेज मिला। तो अगर बात करें नंबर वन पे नाम आता है केन विलियमसन। जी हाँ, केन विलियमसन जो पहले हैदराबाद के कैप्टन थे, लेकिन इस बार हैदराबाद ने उन्हें रिलीज़ किया और इस बार किसी टीम ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया उन्हें खरीदने में। ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंगली रहा क्योंकि केन विलियमसन एक अच्छे कैप्टन माने जाते हैं, बैटिंग में भी वो स्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन फिर भी केन विलियमसन उनके बेस प्राइस 2 करोड़ में ही बिके और गुजरात टाइटन्स ने उन्हें खरीदा। तो कहीं ना कहीं गुजरात टाइटन्स की एक बहुत ही स्मार्ट बाई थी। नंबर 2 पे अगर बात करें तो सिकंदर रजा एक ऑलराउंडर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं जिम्बाब्वे की तरफ से, लेकिन शायद वो कम पैसे में बिके और मात्र 50 लाख में एक बार फिर पंजाब किंग्स ने अपने पास रखा। फिर नंबर 3 पे नाम आता है रे स्टॉपली। कहीं ना कहीं बहुत अच्छे उभरते हुए सितारे इंग्लैंड के हैं और बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं वो, मतलब शॉर्ट पिच बॉल बहुत अच्छा डालते हैं। तो रे स्टॉपली 1.9 करोड़ में RCB के खेमे में गए हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा और स्मार्ट मूव कहा जा सकता है RCB की तरफ से। वहीं बात करें नंबर चार पे नाम आता है जाय रिचर्डसन। ऑस्ट्रेलिया के एक अच्छे फास्ट बॉलर है, अभी 26 साल की एज है इनकी और एक अच्छे उभरते हुए सितारे हैं। कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने एक अच्छा पिक ले लिया है। वहीं बात करें आदिल रशीद की, जो नंबर 5 पे स्मार्टेस्ट बाई में आते हैं और मात्र 2 करोड़ में हैदराबाद ने इन्हें खरीद लिया। तो ये था IPL मेगा ऑक्शन के 2022 के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव और टॉप 5 स्मार्टेस्ट बाई की। आपको क्या लगता है इनमें से सबसे अच्छा बाई कौन सा था, कौन सी टीम ने सबसे अच्छा बाई किया, आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए और आगे और सारी वीडियोस आने वाली हैं। तब तक फिर मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए 1 मिनट स्पोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।